आदाब है एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ जुगनू रेड में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे रोस्टेड मटर कीमा। बड़े मज़ेदार रेसिपी है, तो रेसिपी शुरू करते हैं वक्त ज़ाया करे बगैर। तो ये आप देख लें, सारी चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। इसमें मैंने मशीन का बड़े का कीमा लिया है, मटर लिए छील के रख लिए, ये कीमा देख लें मशीन का है बारीक, मटर धो के रख लिए मैंने, ये प्याज दो अदद दरमियानी साइज की काट लिए, मसाले लिए पिसा हुआ धनिया लिया है, पिसी हुई हल्दी लिए है, साबित गरम मसाला लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला लिया, लाल पिसी मिर्चें लिए, नमक लिए। बर्तन में मैंने एक कटोरी तेल डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब इसमें प्याज डाल, तेल हमारा गर्म हो गया था इसलिए मैंने प्याज डाल दी थी। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम कीमा डालेंगे, मशीन का है ये कीमा डाल दिया हमने, आप हाथ का भी कीमा ले सकते हैं, मैंने मशीन का यूज़ करा है। इसे चलाएंगे, ये चला दिया इसे। अब इसमें एक चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच लहसुन पिसा हुआ डालिएगा, अदरक पिसी हुई डाल रहे हैं एक चम्मच भर के। अब इसे भी चलाएंगे अच्छे से, मिक्स करेंगे इसके साथ, थोड़ी सी भुनाई कर देंगे इसकी। अब मसाले लिए, मसालों में पिसा हुआ धनिया है, पिसी हुई हल्दी है, लाल पिसी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, साबित गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला है, और नमक लिया है। नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से लिएगा जितने आप खाते हैं। ये सब डाल देंगे एक साथ, ये डाल दिया। अब इसमें एक प्याला पानी डालेंगे हम, छोटा एक प्याला पानी डाल रही हूँ मैं, एक छोटा वाला एक प्याला पानी डालेंगे। अब इसे छुपा के धीमी आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से पक जाए और भुन जाए। ये देखिए हमारा पकना शुरू हो गया है, ये देखिए हमारा भुन गया है, पानी नीचे चला गया है। अब जो मटर धो के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, ये मटर हमने डाल दी। अब एक छोटा प्याला पानी डालेंगे, इसे चलाएंगे और दोबारा छुपा देंगे, चूल्हे के आगे आहिस्ता रखेंगे। ये आप देख लें, ये छुपा दिया। ये देखें ये हमारा रोस्टेड मटर कीमा तैयार हो गया है। अब इस पर हम धनिया काट के डालेंगे, ये देखें ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है, चपाती के साथ खा रहे हैं। रोस्टेड मटर कीमा आज की रेसिपी थी, रोस्टेड मटर कीमा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। घर पे ज़रूर बनाएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरी रेसिपीज को इसी तरह पसंद करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।